सीरियल अनुपमा में जब से श्रुति और अनुज की शादी की खबर मैंने आपसे शेयर की थी तब से कंटिन्यू फैंस गौरव खन्ना यानी कि अनुज पे भड़के हुए थे और श्रुति पे भी। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शादी श्रुति और अनुज की नहीं बल्कि अनुज और अनुपमा की होगी। वो कैसे, वही तो बताने में आई हूँ। तो आइए जानते हैं आखिर किस तरह से श्रुति ने अनुज और अनुपमा की सीक्रेट शादी का प्लान रचा। आपको बता दें कि श्रुति जो है वो अनुज से प्यार करती थी, वो अनुज से शादी करना चाहती थी लेकिन अनुज रेडी नहीं थे। लेकिन अचानक से श्रुति के पेरेंट्स की मौत हो गई, फिर आद्या और श्रुति की बॉन्डिंग देखते हुए, श्रुति का अब कोई मतलब उनके पेरेंट्स नहीं है, उनका कोई नहीं है, ये सब देखते हुए अनुज ने श्रुति से शादी करने का फैसला किया। अब श्रुति के बारे में लोग बहुत कुछ बोल रहे थे लेकिन श्रुति इतनी स्वार्थी भी नहीं है जितना लोगों ने उन्हें समझा था। दरअसल श्रुति अनुपमा के बर्थडे वाले दिन उन्हें शादी का कार्ड देती है। इसको लेके सोशल मीडिया पे भी फैंस भड़के हुए थे कि भाई ये क्या तरीका हुआ, बाद में भी तो कार्ड दिया जा सकता था, बर्थडे पे आके देना कार्ड ये क्या था। लेकिन श्रुति ने अनुपमा और अनुज की सीक्रेट शादी का प्लान रचा। सबको यही लगता है कि शादी श्रुति और अनुज की होगी लेकिन श्रुति अनुज और अनुपमा का प्यार देखते हुए उसे छीन ले अनुपमा से अनुज को, ऐसा वो करने वाली है नहीं। श्रुति अनुज को बहुत अच्छा दोस्त मानती है और अनुपमा से भी उनकी फ्रेंडशिप सबसे पहले हुई थी यूएस में। अनुपमा सबसे पहले श्रुति से मिली थी, उनका बैग भी एक्सचेंज हुआ था, तो श्रुति अनुपमा को भी अच्छी दोस्त मानती है। तो श्रुति ने शादी का प्लान रचा। सबको लगता है कि अनुज और अनुपमा की शादी टूट गई है, श्रुति और अनुज की शादी होने वाली है, सब आते हैं। श्रुति ने अनुपमा को भी इन्वाइट किया है, अनुपमा भी आती है अनुज और श्रुति की शादी में शामिल होने के लिए। लेकिन वहां पे एंड मोमेंट पे श्रुति अनाउंस करती है कि शादी श्रुति की नहीं बल्कि अनुज और अनुपमा की होगी, वो अनुज और अनुपमा की शादी करवाना चाहती है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, श्रुति खुद अनुज और अनुपमा का गठबंधन करते नजर आने वाली है। और वनराज जो कि काफी ज्यादा खुश था अनुज और श्रुति की शादी से, भाई ये बंदा क्यों इतना खुश होता है पता नहीं, अनुपमा को तकलीफ में देखे वनराज तो ऐसा मानो नाचने ही लगता है। वनराज फिर से यही उम्मीद करता है कि अनुपमा वापस से बिचारी अबला नारी बन जाएगी, उसे तो अब सास के भी भरोसे रहना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। तो अनुज और अनुपमा की शादी होने वाली है, ना कि श्रुति और अनुज की। और अनुपमा और अनुज की शादी होते हुए जब देख रहा है वनराज, तब तो उसका मतलब बौखला जाता है वो कि ये कैसे और क्यों हो गया। तो सीरियल में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं। वेल, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं श्रुति के लिए? श्रुति ने जो इतना अच्छा प्लान बनाया अनुज और अनुपमा के रियूनियन करवाने के लिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें। और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो